बोली, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी। उसके पिता श्री रामलाल एक गांव में रहते थे और उस गांव में ये माना जाता था कि लड़कियां जो स्कूल जाती है, ये पुराने समय की कहानी है, लड़कियां जो स्कूल जाती हैं उनकी शादी नहीं होती, उनसे कोई शादी नहीं करता था। वो सोचती थी, वो उस समय ये मानते थे कि मतलब लड़कियां बिगड़ जाती है स्कूल जाने से, है ना। तो ये जो स्टोरी है भोली, ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसका असली नाम था सुलेखा, लेकिन उसको सब भोली कहते थे। उसके पीछे ये कारण था कि जब वो 10 महीने की थी तो वो एक बार गिर गई थी। बहुत छोटा होता है बच्चा, 10 महीने का बच्चा, और उस चोट की वजह से उसके दिमाग पर थोड़ा असर पड़ा, तो उस वजह से वो थोड़ी सी कमज़ोर थी दूसरे बच्चों से और स्टैमर करती थी, बोल नहीं पाती थी ठीक से, अगली भी थी, बदसूरत थी थोड़ी सी। और इनके घर में इनके जो आई थिंक 5 या 9 बच्चे थे, उसमें से भोली जो थी वो फोर्थ नंबर थी, और उससे पहले 3 बहनें थी। बड़ी हुई, उसका नेगलेक्ट किया जाता था, उसके लिए ना तो कपड़े खरीदे जाते, वो अपनी बहनों के पुराने कपड़ों को पहनती थी, पुराने खिलौनों से खेलती थी, और सब उसको सिर्फ भोली भोली कहते थे। सुलेखा उसे कोई नहीं कहता था। इम्पॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन भी आता है हमेशा एग्जाम में, तो इस वीडियो में हम इस सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं स्टोरी के लिए आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देती हूँ इसकी। चलिए, तो गांव में एक स्कूल खुला था और जो इसके पिताजी थे रामलाल, उनको एक तहसीलदार ने कहा कि आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजो, तो आपको देखकर और भी लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। तो उन्होंने उनकी भोली की माताजी से पूछा, तो उन्होंने कहा भेज दो, ये वैसे भी सुंदर नहीं है, शादी तो इसकी वैसे भी होने वाली है नहीं, भोली भी है, मुंह पर चेचक के दाग हैं, चिकन पॉक्स के भी दाग हैं चेहरे पर, और ऊपर से हकलाती भी है, स्टैमर भी करती है, तो क्यों नहीं इसको स्कूल भेज देते हैं। जब वो स्कूल गई तो वहां पर जो टीचर थी, उसे जो टीचर मिली, उस टीचर ने पता कर लिया कि इस बच्ची में सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और कोई कमी नहीं है, और बहुत प्रैक्टिस से वो पढ़ना सीख गई, लिखना सीख गई, बड़ी हो गई और एक जॉब भी करने लगी। पेरेंट्स ने कभी परवाह ही नहीं की इसकी। मीनवाइल एक कोई 50 साल का आदमी था बिशंबर, जो लेम भी था, उसका रिश्ता आया भोली के लिए। तो उसके पिताजी ने सोचा कि और तो कोई इससे शादी करेगा नहीं, तो वो उसके पिताजी मान गए उस रिश्ते के लिए। उसका नाम था बिशंबर, 50 साल का आदमी था, लेकिन चलो भोली ने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं कहा, उन्हें कहा कि चलो मेरे माता पिता की मर्जी है तो होने दो शादी। लेकिन जब शादी हो रही थी तो बिशंबर ने भोली का चेहरा देख लिया, उसे दिखा कि ये तो बहुत बदसूरत है, तो बिशंबर ने कहा कि मैं तो 5,000 रुपये लूंगा तब इससे शादी करूंगा। तो इस बात पर जो भोली है उसने मना कर दिया उससे शादी करने को, और ये बहुत शॉकिंग था उस समय की बात में कि एक लड़की कैसे मना कर सकती है। लेकिन यहाँ पर भोली ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाया और उससे शादी करने को मना कर दिया। उसने कहा कि अगर नहीं होती शादी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस लालची व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली हूँ, बिशंबर से। तो ये पूरा जो था, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्टोरी में हमको ये सीख मिलती है कि एजुकेशन से इंसान बिल्कुल बदल सकता है। एक बच्ची जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड थी, कोई ध्यान नहीं देता था, उसकी तरफ वो ध्यान रखने लग गई अपना, और अपना एक शख्सियत बना ली उसने। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? किस कारण की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया? अ प्राइमरी स्कूल इज ओपन्ड इन भोलीज विलेज। द तहसीलदार आस्क्ड भोलीज फादर टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। इट इज सोशली रिस्ट्रिक्टेड। उस समय ये रिस्ट्रिक्शन थी कि गर्ल्स स्कूल नहीं जानी चाहिए। नो बडी वुड मैरी अ गर्ल हु हैज गॉन टू स्कूल। बट भोलीज फादर हैज नो करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन भोली के पापा ने सोचा कि भोली को तो भेज देते हैं, ये तो वैसे भी सुंदर भी नहीं है। भोलीज मदर सजेस्ट दैट भोली शुड बी सेंट टू स्कूल। शी बींग अगली एंड विटलेस ऑलरेडी स्टूड नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, थस दे सेंड भोली टू स्कूल
टू प्लीज द तहसीलदार. तहसीलदार को बस खुश करने के लिए भोली को स्कूल भेजा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, व्हाई डू भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल. मैरिज का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया. दो बिशंबर इज अ मैन ऑफ अबाउट 50 एंड ही लिम्प्स इज टू, लंगड़ाता भी था. भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल, इट इज बिकॉज दे थिंक नो बडी वुड मैरी भोली एज शी इज अगली एंड विटलेस. अगली है, विटलेस है, इसलिए कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए वो उसका जो प्रपोजल था वो मान गया. हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. ना ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका चैप्टर का, एंड लेट्स सी द आंसर. भोली वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड एट होम. She had neither good looks nor intelligence. Besides, she stammered too. Neither her parents nor her brothers or sisters showed any care for her. But her teachers supported her. She encouraged her to speak without stammering. उसकी टीचर ने ही उसको encourage किया था कि वो बिना stammer किए. She would encourage her to speak without stammering. Regular practice made Bholi speak properly. The teacher made her believe in self. Teacher ने ही उसको बनाया था कि वो अपनी अपने खुद की self को maintain करे, अपना self respect maintain करे. She taught her well. Thus, she changed the course of her life. तो ऐसे Bholi की जो life थी वो बिल्कुल बदल गई थी just because of the education. नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलीज रियल नेम इज सुलेखा. वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगनिंग बट ओनली द लास्ट बट वन पैराग्राफ. सिर्फ शुरू में और लास्ट में उसको सुलेखा कहा गया, बाकी पूरे चैप्टर में उसको भोली ही कहा गया. ऐसा क्यों? व्हाई डू यू थिंक शी इज कॉल्ड सुलेखा एट दैट पॉइंट. उसको सुलेखा क्यों कहा गया? सो वी हैव द आंसर. कॉलिंग अ पर्सन बाय हिज रियल नेम मीन्स गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम. किसी को असली नाम से बुलाना मतलब होता है उसको रिस्पेक्ट करना. किसी को चिढ़ाने के लिए लोग उसका नाम बदल देते हैं या कुछ चिढ़ाने वाला रख देते हैं, लेकिन रियल नेम किसी का लेते हैं हम, इसका मतलब है हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं. बट वन इन लास्ट बट वन पैराग्राफ, एक लास्ट पैराग्राफ में और एक और शुरू के पैराग्राफ में हमें ये बताया गया, भोली इज़ कॉल्ड सुलेखा. It is because at this point she comes before us full of self-confidence. क्योंकि सिर्फ last paragraph में ही हमें जो भोली है वो पूरे confidence के साथ नजर आई. एक और last question जो important है, what lesson does the story teach us? The story present the picture of an orthodox rural Indian family. First line होगी हमारी answer की, कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें ऑर्थोडॉक्स रूरल इंडियन फैमिली, ऑर्थोडॉक्स रूरल इंडियन फैमिली दिखाते हैं. ऑर्थोडॉक्स मतलब जो पुराने विचारों को लेके चल रही है. गर्ल्स आर ऑफन ट्रीटेड विद पार्शियलिटी इन दीज फैमिलीज. और गर्ल्स के साथ हमेशा पार्शियलिटी होती है. बॉयज़ को सारी के सारे अम्यूजमेंट, सारे लेजर्स दिए जाते हैं, लेकिन गर्ल्स को नहीं दिए जाते. सो द सेकेंड लाइन इज, गर्ल्स आर ऑफन ट्रीटेड विद partiality in these families. Next, an ugly and witless girl. जो भोली थी वो ugly और witless थी. ये दो words तो याद ही कर लो, ugly थी, witless थी. Witless, wit मतलब दिमाग, दिमाग नहीं था उसमें, बुद्धि नहीं थी. So an ugly and witless girl is utterly neglected. और अगर लड़की सुंदर नहीं है, ऊपर से बेवकूफ भी है, तो पूरी तरह से उसको neglect किया जाता था. We learn from the story. अब इस story से हम ये सीखते हैं To educate boy and girl child equally, कि हमें पढ़ाई equally देनी चाहिए. वैसे अब नहीं होता हमारे इंडिया में ऐसे, but many many times we see this. Girls too have right to education. Once educated, they can make up for the lack of good looks. They can be a support to their parents in their old age. तो अगर इनको educate किया जाए लड़कियों को भी, तो वो अपने गुड लुक्स के लैक को, अगर वो सुंदर नहीं भी दिखती हैं, उसको वो उससे वो उभर कर आएंगी और अपने परिवार का सपोर्ट करेगी. हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब इंग्लिश पार्क. लाइक.